कुछ दिनों पूर्व शहर के डिप्टी सिग्नल परिसर में सेंधमारी करके चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवर के साथ कुल 60,000 रुपयों का माल चोरी किया गया था। पुलिस ने इस चोरी को अंजाम देने वाले चोर और उसके साथी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शहर के डिप्टी सिग्नल में रहने वाली श्रीमती लता पन्नालाल शाहू बाहर गांव गई थी और उनके घर पर लॉक था। 1 सितंबर को उनके घर का दरवाजा तोड़कर उनके घर से सोना चांदी के जेवर के साथ कुल 60,000 रुपयों का माल चोरी किया गया। वह 2 सितंबर को जब गांव से वापस लौटी तब उन्हें इस चोरी का पता चला। पता चलते ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज किए जाने के बाद डीबी पथक के पीआई सावन की टीम ने अज्ञात आरोपी की तलाश आरंभ की। इस जांच में उन्हें पता चला कि डिप्टी सिग्नल में ही रहने वाला 19 वर्षीय मनीष देहरे और उसका साथी 19 वर्षीय राकेश उर्फ सागर भगत निर्मलकर, इन दोनों ने मिलकर इस सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 1 तारखेला श्रीमती लता पन्नालाल साहू राहणार गोपाल नगर डिप्टी सिग्नल ह्या त्यांच्या कुटुंबासहित बाहेरगावी गेल्या होत्या। घराला लॉक होतं, तर घराला लॉक असतानाच त्यांच्या घरी डिप्टी सिग्नलला चोरी झाली। घराचा दरवाजा तोडून, लॉक तोडून आणि घरामधून सोन्या चांदीचे दागिने असा 60,500 रुपयाचा मुद्देमाल चोरीला गेला। त्या जेव्हा गावावरून परत आल्या तेव्हा 2 तारखेला पोलीस स्टेशनला याबद्दल रिसर गुन्हा नोंद झाला। गुन्हा नोंद झाल्यानंतर पोलीस डीबी पथकाचे एपीआय सावंत व त्यांच्या टीमने या गुन्ह्याचा शोध सुरू केला आरोपींचा। तर त्यांना असं माहिती पडलं की डिप्टी सिग्नल येथेच राहणारे मनीष सुरेश डेहरे व 19 वर्ष व त्याचा साथीदार राकेश उर्फ सागर भगत निर्मलकर व 19 वर्ष या दोघांनी ही घरफोडी केल्याची त्यांना माहिती प्राप्त झाली। त्यावरून त्यांनी दोघांनाही ताब्यात घेतलं। त्या गुन्ह्यामध्ये त्यांना विचारपूस केली तर त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली। त्यावरून त्या दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आणि तपासादरम्यान दोन्ही आरोपीकडून चोरी झालेला सर्व मुद्देमाल रिकवर करण्यात आला आहे। यामध्ये सर्व मुद्देमाल रिकवर करण्यात आला आहे आणि सध्या तरी हे दोनच आरोपी आपल्याला निष्पन्न झालेले आहेत। तर शक्यता कमी आहे तरी आपला त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहे, तपास सुरू आहे। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।